हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इस बल्ब को रिपेयर, जो कि एक एलईडी बल्ब है। इसे मैंने कबाड़े में से उठाया है, ये बिल्कुल डेड हो चुका था। अब हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे और इसको जलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसमें सप्लाई के लिए दो तार लगा लेते हैं। हमने सप्लाई के दोनों तार लगा लिए हैं, देख सकते हो, और इन्हें हम इस एलईडी है इसमें लगाएंगे। लेकिन ये एलईडी एक एलईडी है जो ख़राब लग गई है, ये हर एक एलईडी 9 वोल्ट की है, तो हमें इसमें 9 वोल्ट की ही एलईडी लगानी होगी। अभी हमारी ये जो वीडियो भी है ये काम करेगी। तो यहाँ से हमने ये एलईडी हटा दी है और अब हम इसमें से जो 9 वोल्ट की एलईडी है इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। इसमें 3 धारियाँ हों है, दो धारियाँ हों तो है 6 वोल्ट की है, और एक धारी हो तो यह 3 वोल्ट की है, तो ये 9 वोल्ट की है। इसमें अब हम इसको थोड़ी सी सहायता से इसको लगा लेते हैं। तारों को अच्छे से हमें लगाना है ताकि ये शॉर्ट सर्किट ना हो और ये शॉर्ट ना हो। अच्छे से लगाते हैं, आप देख सकते हो हमने इसे अच्छे से लगा दिया है। और अब हम इसको इसके अंदर बिना बल्ब में असेंबल किए ही आज ही इसको चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। तो हमें जो यह ड्राइवर है इसको डीओबी में लगाना होगा। ये ध्यान रहे कि डीओबी में प्लस और माइनस का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको इसमें कराना है, वरना ये काम नहीं करेगा। अब हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं, ये सही हुआ है कि हमें डायरेक्ट 220 वोल्ट में इसको लगाना है। आराम से लगाएं, कहीं करंट ना लग जाए। अब आप देख सकते हो ये अच्छे से चलने लगा है। अब इसको बल्ब में फिट करेंगे, फटाफट हम इसको बल्ब में फिट कर लेते हैं। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे हम सिल्वर की कैप है इसको लगा देंगे, और इसके ऊपर अब हम इस डीओबी को लगाएंगे और इसके कनेक्शन करेंगे और फिर इसकी टेस्टिंग करेंगे। अच्छे से सोल्डिंग इनको कर दिया है और यह बल्ब बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बार चेक करके देख लेते हैं, और ये जलने लगा है, अच्छे से काम कर रहा है। और अब हम इसकी ऊपर की कैप भी लगा देते हैं और फिर से इसको जला कर देखेंगे